तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर बोल सकते हैं। ये एक बहुत यूजफुल फीचर बताने वाला हूँ दोस्तों। उस ऐप के अंदर एक नया अपडेट भी आया है, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ये फीचर है बिक्सबी विजन, या बोल सकते हैं ये जो ऐप है बिक्सबी विजन। जैसा कि आपको पता है बिक्सबी क्या काम करता है, गूगल असिस्टेंट की तरह काम करता है, तो बिक्सबी विजन भी बिक्सबी का एक पार्ट है। जैसा कि आपको बताओ गूगल लेंस के बारे में, तो सेम उसी की तरह बिक्सबी विजन भी होता है। तो बिक्सबी विजन ऐप के अंदर एक नया अपडेट भी आया, और एक्चुअल में ये यूज कैसे करते हैं इसके सारे फीचर बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, यूजफुल तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि ने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बिक्सबी विजन के एक नए अपडेट के बारे में और उसके पूरे फीचर यूज के बारे में। तो अगर आपको बिक्सबी विजन यहाँ पर जाएंगे गैलेक्सी स्टोर में, तो आपको दिख जाएगा वहाँ बिक्सबी विजन के अंदर एक नया अपडेट ऑलरेडी अवेलेबल आपको दिख जाएगा। अगर आप जाएंगे मेन्यू में अपडेट्स में जाके देखेंगे, तो आपको एक नया यहाँ पर अपडेट मिल रहा होगा बिक्सबी विजन फ्रेमवर्क करके आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या लिखा गया है कि इस अपडेट में कोई भी नई चेंजेस नहीं किए गए, कुछ बग्स या सिक्योरिटी फीचर इन्हांस किए गए। यहाँ पर वर्जन नंबर है इसका 3.8.63.2, जिसको रोल आउट किया गया अपडेट को 28 जून में, और इस अपडेट का साइज है 19 MB का ये अपडेट है। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ अपडेट और साथ साथ में बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिक्सबी विजन लाइक अ गूगल लेंस की तरह ये काम करता है। यहाँ अगर आप इसका फीचर्स में देखेंगे, तो उन्होंने कोई ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है, बट यहाँ स्क्रीनशॉट लगा के रखें। तो मैं आपको एक एक चीज़ का यहाँ बताने वाला हूँ एक्चुअल में कैसे आप इसका यूज़ कर पाएंगे और क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं। फाइनली ये हो चुका है इंस्टॉल, अपडेट हो गया है। अब अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है, यहाँ पर आपको बिक्सबी विजन पर सर्च करके उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप बिक्सबी विजन को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्री में यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें पहले से मिल रही होंगी, जैसा कि ट्रांसलेटर, टेक्स्ट, डिस्कवर और वाइन करके ये चीज़ें आपको पहले से मिल रही हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले है ट्रांसलेटर। अगर आप इसके अंदर किसी भी फॉन्ट्स को ले जाएंगे या फिर बोल सकेंगे कोई लैंग्वेज को ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आपको उसको ट्रांसलेट करके बताने वाला है। जैसे कि लाइक में इसका ये देख सकते हैं, जैसे कि लाइक मैंने ये करा, आप देख रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पर ये कैप्चर करा, ठीक है, मैंने इस चीज़ को कैप्चर करा, उसने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और उसी को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देगा। आपको बोलेगा आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर लें या फिर उसको सेव करना चाहें सेव कर लें, सेव इमेज कर लें, आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया बगल में टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट दिखाएंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं कहीं लिखा हुआ टेक्स्ट। मान लो कोई टेक्स्ट आपका किसी पेपर में लिखा है या कहीं लिखा हुआ है और आपको उसको कॉपी करना है, तो आप उस टेक्स्ट को भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट पे जाना है और आपको अपना मोबाइल को वहाँ पर रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, अगर नहीं भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा। थोड़ा सा आपको टाइम देना है और उसको वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि हाईलाइट हो गया है, आप कॉपी करके उस टेक्स्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल फीचर है। उसके बाद जाएंगे डिस्कवर में। तो डिस्कवर में क्या रहता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप जिसके बारे में आपको नहीं पता या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप उसको वहाँ पर ले आइए और उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने अपनी वॉच की यहाँ पर फ़ोटो को क्लिक किया और उसको कैप्चर किया, उसने ऑटोडिटेक्ट कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद वो सर्च करेगा ये क्या चीज़ है और वो खुद ही आपको बता देगा भाई ये क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता देगा, क्या है कैसा है वो सब आपको यहाँ पर बता देगा। मतलब कि किसी चीज़ की आपको डिटेल चाहिए हो तो वो आपको यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बगल में जाएंगे मिलेगा वाइन का ऑप्शन। तो वाइन में क्या है भाई, अगर आपको कोई वाइन के बारे में पता करना है कि कौन सी वाइन है, तो आप यहाँ पर ले आइए, वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि कौन सा ब्रांड है, क्या है, सारी डिटेल आपको वो बता देगा। तो ये चीज़ें 4 मिलती हैं। आप यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आप इसमें सबसे पहले ये 4 मोड हैं ट्रांसलेटर, टैक्स, डिस्कवर, वाइन, एड ऑन कर, ये ऑलरेडी एड ऑन रहता है, आप चाहें तो एड ऑन नहीं भी करें तो हटा सकते हैं। यहाँ कैप्चर का बटन आप चाहते हैं हो या ना हो वो भी आप यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल, ये सबको पता ही है। इसमें एक और हिडन फीचर रहता है एसेबिलिटी मोड्स का। ये इससे प्रीवियस अपडेट में या उससे प्रीवियस अपडेट में ही ऐड ऑन हुआ है, अभी के अपडेट में कुछ नया चेंजेस नहीं आया, बट उसमें क्या किया गया, सिक्योरिटी को अपडेट की जाती है। अब इसको मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम कर रहे हैं। आपको इसको ऑन कर लेना है एसेबिलिटी मोड को। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, सीन डिस्क्राइबर, कैप्चर अ सीन टू हेयर अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, पॉइंट द कैमरा समथिंग और टू हेयर व्हाट इज दिस,
टेक्स्ट रीडर पॉइंट द कैमरा एट द सम टेक्स्ट टू हियर इट्स रीड आउट लाउड और कलर डिटेक्टर। एसेबिलिटी मोड क्या करने वाला है, कुछ भी चीज होगी वो आपको लाउड करके बताने वाला है, मतलब एज अ वॉल्यूम आपको बताने वाला है। तो किस तरीके से बात काम करेगा वो भी मैं आपको बता दूं। इसको ऑन कर लिया, उसको ऑन करने के बाद आप बैक आ जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एसेबिलिटी के अंदर। तो आपको अब वाइन के मतलब जैसे चार जो दिख रहा है उसके बगल में आपको एक और एसेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर क्या क्या दिया गया है, स्क्रीन डिस्क्राइबर, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, टेक्स्ट एंड देन कलर आइडेंटिफायर। अब कैसे काम करेगा बताता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, मैं वापस अपनी वॉच को ले जाता हूँ, वो आपको लिख के भी बता रहा है और बता भी रहा है कि वॉच है। ऐसे ही कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो उसको रीड करके बता देगा आपको। और अगर कलर को आपको देख करना, वो कलर आपको रीड करके बताएगा। जैसे अब जब वो जैसे कलर में आपको वो आपको कलर को रीड करके बता देगा कौन सा कलर है। तो एक एक कलर को वो आपको रीड करके बताने वाला है। जिस कलर के बारे में आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस कलर को पॉइंट आउट करेंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि कौन से कलर का। जैसे एक और बार बताऊं, अब उसके बगल में आपको टेक्स्ट रीडर मिलता है। अगर वहां जाएंगे तो वो कोई से भी अगर आप टेक्स्ट को करेंगे कहीं भी तो वो आपको रीड करके बताने वाला है। जैसे आप देखेंगे गलत से फिफ्टो तो S5G ऐसा रीड करके बताने वाला है। उसके बगल में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जैसे कि आप यहाँ जाए सेल फोनी केस वो आपको बता देगा और कोई भी सीन होगा उसको भी यहाँ पर कैप्चर करके बताने वाला है। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल है। कोई कोई हमें चीज़ें नहीं पता होती तो हम इसके थ्रू उसको पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लो और हो सके बाद में लाइक का बटन भी दबा देना। यार इतना कुछ कर लिया है तो कमेंट करके भी बता दो कैसी लगी वीडियो। और सबसे ज़रूरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर अगर आप कोई मुझे हिडन फीचर बताना चाहते हैं जिसके लिए ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका वीडियो में नाम भी लूँगा कि मुझे ये जो फीचर्स है किसने बताया। अगर आप कमेंट में नहीं बताना चाहते आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। एक और लास्ट चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, इतना कुछ कर लिया, सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलना भाई। सब्सक्राइब सबसे पहले कर लिया करो और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों।